वैसे तो मुझे ये बात बहुत ही इम्पॉसिबल सी लगती है, पर फिर भी अगर भाभी जी ने लॉटरी का टिकट खरीद लिया होगा तो मैं तो शर्मा जी का चमचा ही हो जाऊंगा, चमचा इन चीफ। तो आप क्या हो जाएंगे, हम ही हो जाएंगे इनके चमचे इन चीफ। पर शर्मा जी, अगर भाभी ने टिकट ना खरीदी हो तो? उन्होंने टिकट ना खरीदी हो क्यों? नहीं, मैंने तो एक बात कही थी। क्यों कही आपने ऐसी मनहूस बात? कमाल है, आप किसी को बोलने नहीं देंगे, काटने को दौड़ते हैं। काटने को दौड़ते हैं? और शर्मा जी कोई खुदते हैं जो काटेंगे? आपको जो भी कहना हो ना जस्सी जी, कह लीजिए। अरे आप लोगों को पता तो तब चलेगा जब उन्होंने टिकट खरीद ली होगी। देखा कितनी लंबी उम्र है दीदी की, आ गई दीदी, आई है। अरे पायल, आज सलवार कुर्ते में? मैं जस्सी हूँ भाभी जी, गई नहीं आपकी भूलने की बीमारी। भूलने की बीमारी के बारे में क्या बताया? बिल्कुल ठीक हो गई। कांग्रेचुलेशंस। लेकिन आपका चश्मा, कमाल के अजीब लोग हैं आप। इतनी देर से लॉटरी 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 चिल्ला रहे थे, आप पूछते क्यों नहीं भाभी जी से? अरे भाई जल्दी क्या है, सांस तो लेने दो। भाभी जी वो लॉटरी का टिकट खरीद लिया। खरीद लिया? खरीदना ही पड़ा, वो बुढ़ा मेरे पीछे ही पड़ गया, क्या करती। लेकिन आप लोगों को कैसे मालूम? अरे दीदी आप ये सब छोड़िए, पहले ये बताइए कि टिकट का पहला नाम कितने रुपए का था? वो लॉटरी वाला कुछ 10 करोड़ रुपए की। शर्मा जी जिंदाबाद, शर्मा जी जिंदाबाद। अरे भाई आप तो को ये सब नारे भाभी जी के लिए लगाने चाहिए। मेरे लिए क्यों? क्योंकि कल आप करोड़पति बनने वाली हैं। भाभी जी जिंदाबाद, भाभी जी जिंदाबाद। कह रहे हो ना, ये सब क्या हो रहा है? दीदी मालूम है आपको, शर्मा जी इज द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट ऑन दिस अर्थ। क्यों शर्मा जी, ऐसी बात है क्या? नहीं नहीं, वो शर्मा जी आज बड़े स्लिम लग रहे हो, क्या बात है भाभी जी? हाँ मैं इधर बैठा हूँ। ओह सॉरी शर्मा जी। मालूम है दीदी, इन्होंने बताया था कि आप आज जरूर लॉटरी का टिकट खरीदेंगी। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, उन्होंने एक तुक्का लगाया वो सही बैठ गया बाय चांस। और क्या? पर पैन जी, इन्होंने तो ये भी प्रेडिक्ट किया था कि आप ठीक 1 बजे खरीदेंगी। सच में? ये तो कमाल हो गया। और क्या? अरे दीदी इन्होंने ये भी बताया था कि पहला इनाम 10 करोड़ का होगा। नहीं मैं नहीं मान सकती। मैं भी नहीं मान सकता। आप चुप तो रह सकते ना एक मिनट। और क्या, पक्का तो आप तब मानेंगी जब कल भाभी जी आपके हाथ में 10 करोड़ रुपए होंगे। 10 करोड़ तो राकेश सारी जिंदगी में नहीं कमा सकते। और क्या, अब आपका और राकेश जी का क्या मुकाबला, कहां उनकी मर्चेंट नेवी की टुच्ची सी नौकरी और कहां कल आपके हाथ में 10 करोड़। आप तो उनका शिप खरीद सकती है भाभी जी। मैडम मैडम। और क्या, शट अप, चुप हो जाइए। अब मैडम ही बोलना पड़ेगा ना आपको। और क्या विकी जी और जैसी जी, हाँ जी, अगर आप इस बीमारी को 5 मिनट के लिए बाहर ले जाएं, क्योंकि मुझे मैडम से बहुत जरूरी बातें करनी है। और अरे अंकल आपको मालूम है आज बाहर हवा में कितनी ऑक्सीजन है? कितनी? आइए चलिए बाहर, हम दिखाते हैं ना आपको। आइए आइए, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन, आइए आइए ऑक्सीजन, आइए। हाँ टेरेस पे चलेंगे, सारी ले लूंगा। सारी ऑक्सीजन ये ले लेगा तो हम क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। मैडम आप तो जानती हैं कि मेरा LIC वाला काम तो बस टेम्परेरी सा है, इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं पूरा कंसंट्रेशन आपके कारोबार पर दूं। क्यों नहीं शर्मा जी, आखिर आपकी भविष्यवाणी की बदौलत ही तो मैं करोड़पति बन पाई।